Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक 19 साल की लड़की की दास्तान है जो अपनी लाइफ में एक एक करके सब कुछ खोता जा रहा है, पर एक औरत ने उसका खोया हुआ सब कुछ उसे लौटा दिया। पर कैसे, चलिए देखते हैं। हेलम नाम का लड़का जिसके डैड की अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, पर वो फिर भी अपने घर के थोड़ी दूर एक ट्री हाउस में रहता है और वहाँ से लोगों के ऊपर नज़र रखता है अपने दूरबीन से। ये उसकी बचपन की आदत है लोगों की निजी कामों पर नज़र रखना। आज तक किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चला है। अब घर जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बहन लूसी अब यूनिवर्सिटी जा रही है, इसीलिए वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि अब वो अकेला पड़ जाएगा। यह हम देख पाते हैं कि इस फैमिली में टोटल 4 लोग हैं, हेलम, उसकी बहन लूसी, उसके डैड जूल्स और उसकी स्टेप मदर वैनिटी। उसकी रियल मॉम की कुछ सालों पहले न जाने कैसे पर मौत हो गई और उनकी मौत की वजह वो वैनिटी को ही मानता है, इसीलिए उसे ज़्यादा वो बातचीत नहीं करता। घर जाकर दोनों भाई बहन एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लूसी उसके साथ में क्लब चलने को कहती है लेकिन वो मना कर देता और कहता है कि उसे उसके ट्री हाउस में रहना पसंद है। और वहाँ जाकर वो देखता है कि एक घर में एक लेडी अपने बच्चे को फीड कर रही है, तो वो उसकी पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। या हम उस ट्री हाउस में उसकी मॉम की एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग भी देखते हैं। जब वो उन्हें मिस करता है तो इस पेंटिंग को देख लेता है और खूब रोता है क्योंकि एक वही थी जो उसकी चीज़ों को समझती थी और अब तो हर कोई उससे बस दूर जाना चाहता है। कुछ ही देर में उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और हेलम उन्हें भी छुप कर देखता है, जिसके बाद वो सोने के लिए चले जाते हैं। अब अगले दिन लूसी यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी होती है। वो हेलम को आवाज़ लगाती है ताकि वो उसे आखिरी बार मिल सके, लेकिन वो बाहर नहीं आता न जाने किस वजह से। पर जब वो कार में बैठ जाती है तो उसकी कार के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। शायद उसे उसकी गलती का एहसास हो चुका था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो उससे दूर चली जाती है। अब लंच पर ये तीनों बैठे होते हैं। जूल्स कहता है कि तुम्हें भी अपनी बहन की तरह पढ़ना लिखना चाहिए, ये सब छोड़ दो, कुछ अच्छे पैसे कमाओ। लेकिन हेलम को लगता है कि ये सब वैनिटी की चाल है उसे यहाँ से दूर भगाने के लिए, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देता है कि वो कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं रहेगा, और ये बोलकर वो उठकर चला जाता है। जब वो शाम में घर आता है तो देखता है कि जूल्स और वैनिटी उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, जिसमें जूल्स कहता है कि वो किसी भी तरह से हेलम को मना लेंगे और उसे कहीं दूर भेज देंगे। लेकिन हेलम इस बात से बहुत नाखुश होता है और वहाँ से सीधा पहुँच जाता है एक झील पर जो कि उसकी मॉम की फेवरेट जगह थी। वहाँ उनकी एक बोट भी मौजूद थी जहाँ वो अपने डैड को भी लेकर आता है। उनसे पूछता है कि क्या उस दिन आपने और वैनिटी ने मेरी मॉम को डुबा कर मार डाला। ये सुनकर उसके डैड बहुत हैरान हो जाते हैं और बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस दिन तुम्हारी मॉम ने ज़्यादा ओवरडोज ले ली थी जिस वजह से उन्हें चक्कर आना शुरू हो गए और जब वो पानी में गिरी तो वो तैर नहीं सकी और जिस कारण डूबने से उनकी मौत हो गई। लेकिन हेलम को अभी भी यकीन नहीं है, वो किसी भी तरह से उन्हें झूठा साबित करके रहेगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। उस दिन कुछ बच्चे आकर हेलम का ट्री हाउस तोड़ देते हैं जिस वजह से उसे कुछ समय के लिए अपने सामानों को घर में शिफ्ट करना पड़ता है। उसी दौरान उसकी एक डायरी वैनिटी के हाथ लग जाती है जिसमें वो सब कुछ लिखता है जब वो लोगों पर नज़र रखते हैं और वो लोग क्या क्या करते हैं, इसमें सब कुछ पर्सनल बातें लिखी होती है। ये सब पढ़कर वैनिटी समझ जाती है कि वो क्या महसूस करता है, इसीलिए जब उसका वो ट्री हाउस फिर से बन जाता है तो एक दिन वो उसके हाउस में जाती है, उस किताब को पढ़ना शुरू कर देती है। वो कुछ ऐसी चीज़ें बोलती है जो कि हेलम की मॉम से रिलेटेड थी, जिस चीज़ की वजह से उसे गुस्सा आ जाता और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही मेरी मॉम को कॉफ़ी में नशे की गोलियाँ मिलाई थी जिसे वो तैर नहीं पाई। ये बोलकर वो उसका गला दबाना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, वैनिटी एक चलाक औरत थी, उसे अच्छे से पता था कि हेलम के दिमाग में क्या चल रहा है। वो उसके करीब आ जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते, जिसके बाद वैनिटी उसे ब्लैकमेल करती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ और खुद का कुछ बनाओ, वरना इसके बारे में मैं सब कुछ बता दूंगी। अब हेलम के पास कुछ चॉइस नहीं थी, इसीलिए वो अगले दिन बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से ईडनबर्ग के लिए निकल जाता है जो कि एक दूसरा शहर है। वहाँ जाकर जब वो घर के रेंट्स के लिए पैसे निकालता है तो देखता है कि उसके अकाउंट में तो एक भी पैसा नहीं है, सब कुछ खाली हो चुका है, इसीलिए उसे मजबूरन एक बिल्डिंग की टेरेस पर रात गुजारनी पड़ती है जो कि बहुत ही गंदी थी। अब बीच रात में उसके मुंह पर चूहे दौड़ रहे थे। जैसे तैसे सुबह हो जाती है और आज की सुबह हेलम के लिए एक नया संदेश लेकर आती है। जब वो नीचे उतरता है तो उसे एक औरत दिखती है जिसे देखकर उसके मुँह से सबसे पहला शब्द निकलता है मॉम, क्योंकि वो औरत बिल्कुल उसकी माँ की तरह दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगता और पहुँच जाता है एक होटल में जहाँ पर वो HR की पोस्ट पर काम करती थी और उसका नाम था केट। हेलम होटल के अंदर जाता और बस उसे ही देखता रहता है। केट भी उसे देख लेती है और अंदर आने को कहती है।
वो बताता है कि उसे जॉब की तलाश है, वो इस शहर में नया है। अब यहाँ केट दिल की बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए वो किचन में एक प्लेट वॉशर की नौकरी पर उसे रख लेती है और उसे वहाँ ले जाकर सब कुछ समझा देती है कि कैसे क्या करना है। वहाँ हेलन की मुलाकात रेमंड नाम के एक आदमी से होती है जो उसका उस प्लेट वॉशर में सीनियर था। वो उसे कुछ रूल्स बताता और कहता है कि यहाँ वो पिछले 25 सालों से काम कर रहा है पर उसे इस काम से सख्त नफरत है, अगर उसे काम करना उसके मुताबिक करना होगा। अब हेलम उसकी हाँ में हामी भरता और फिर उस दिन का काम खत्म करके उसी होटल के बाहर बैठ जाता है। केट के इंतजार में वो उसका पीछा करता है ताकि उसके घर का उसे पता मिल सके। वो देखता है कि केट वहाँ से एक कैफे में आ गई है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ चिल कर रही है, जिसके कुछ देर बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है। अब हेलम भी पीछे पीछे चलता रहता है और फाइनली उसके गेट तक पहुँच जाता है, लेकिन अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए वो उस रात वहीं बैठकर सो जाता है और अपनी माँ की फोटोज़ को देखता रहता है। कुछ दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है और हेलम केट को ऐसे ही हर मोड़ पर देखता रहता है। वो चाहता था कि हर समय केट उसकी नज़रों के सामने रहे। इधर उसकी अब रेमंड से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए वो आज जल्दी घर जा रहा है, लेकिन जब वो देखता है कि केट अभी भी ऑफिस में है तो उसके घर जाने का डिसाइड कर ताकि वहाँ जाकर वो उसके बारे में कुछ बातें पता लगा सके। उसका गेट पर पहुँचने पर वो बड़ी ही आसानी से उस गेट को खोल लेता है और उसके घर की सारी चीज़ों को देखने लगता है। इसी बीच उसकी नज़र पड़ती है सामने उसके होटल के क्लॉक टावर से, जहाँ से केट का घर साफ दिखाई दे रहा था। अब उसे एक सेफ जगह मिल गई थी। वो सोचता है कि अगर वो वहीं पर सोने का इंतज़ाम बना ले तो वो हर समय केट पर नज़र रख सकता है। तभी अचानक से केट घर पर आ जाती है। वो फौरन उसी खिड़की से बाहर आ जाता है और लटक जाता, अगर वो नीचे गिरा तो मारा जाएगा। इसीलिए हेलम पूरी रात उसी खिड़की पर रहता है और केट क्या क्या कर रही है सब कुछ देखता रहता है। जब वो सो जाती है तो वो उसे भी देखते देखते सो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो अपने काम पर होता है तो वहाँ पर केट आती है और उसे काम करते हुए देखकर बहुत खुश होती है। हेलम उससे काफ़ी अच्छे से बात करता है और बताता है कि उसे काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ। उसके एक्सप्रेशन को देखकर केट बहुत खुश होती है और हंसने लगती है। अब कुछ देर बाद वो रेमंड से ब्रेक लेकर ऊपर क्लॉक टावर में जाता है। यहाँ उसका पहली बार था, इसीलिए वो बहुत ही सतर्क रहता है और एक जगह से केट के घर को देखता है। उसे अंदाज़ा हो गया था कि यही सही जगह है, इसीलिए वो वापस आ जाता है। पर नीचे उतरते टाइम उसे आलिस नाम का एक बंदा देख लेता है जो कि होटल का मैनेजर था। वो उसे पूछता है कि तुम वहाँ क्या करने गए थे, तो हेलम उसे झूठ बोलता है। तब आलिस उसे वार्न करता है कि आइंदा मत जाना, वो सिर्फ स्टाफ वालों के लिए ना कि तुम्हारे लिए। लेकिन हेलम कहाँ मानने वालों में से था। जब होटल बंद होने वाला होता है तो वो अपने सोने का सामान लेकर उसी क्लॉक टावर पर चढ़ जाता है और केट के घर को देखना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ कोई आता है जो कोई और नहीं बल्कि आलिस ही था। ये देखकर हेलम फौरन नीचे आता है और केट के घर की छत पर चढ़ जाता है, जहाँ की खिड़की से वो उसे इंटीमेट होते हुए देखता है और वो भी आलिस के साथ। दोनों की बातों से पता चलता है कि आलिस शादीशुदा है, जो बात केट को पसंद नहीं है। हेलम को बहुत बुरा लगता है, वो पूरी रात बस रोता रहता है, न जाने किस बात का उसे गम था। ये बात उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। अब सुबह होने पर वो पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ एक अपनी स्टेप मदर वैनिटी के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाता है कि उन्होंने उसके रियल मॉम को डुबाकर मार डाला, और उसका कहना है कि उन्होंने खुद ही कन्फेस किया कि वो ऐसा कर चुकी है। खैर, फिर से काम पर आने के बाद वो पकड़ा जाता, क्योंकि जब वो क्लॉक रूम पर जा रहा था तो उसे आलिस देख लेता और उसके पीछे पीछे ऊपर पहुँच जाता। वो समझ जाता है कि वो वहाँ केट के ऊपर नज़र रखने जाता है, इसीलिए उसे जॉब से वो निकलवा देता। पर हेलम कहता है कि उसे उस अफेयर के बारे में पता है जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन आलिस उसकी बातों का मजाक में लेता है और धक्का मारकर बाहर कर देता है। पर जब उस दिन आलिस अब तो वहाँ पहले से हेलम मौजूद था उसकी वाइफ और उसकी बेटी के साथ, इस चीज़ को देखकर वो थोड़ा डर जाता है और इस बात को सीक्रेट रखने को कहता है। वहीं हेलम को भी उसकी नौकरी वापस मिल जाती है, वो अपने काम पर वापस आ जाता है। दूसरे दिन की सुबह जब केट उसे अपने पास बुलाकर बताती है कि फ्रंट डेस्क की जॉब की वैकेंसी निकली है, अगर उसे अप्लाई करना है तो वो कर सकता है, उसमें उसे अच्छी सैलरी और यूनिफॉर्म दोनों मिलेगी। हेलम उसकी बात मान लेता है और अप्लाई कर देता है, जिसके कुछ दिन बाद उसे वो जॉब मिल जाती है। ये जॉब पहले वाले से काफ़ी अच्छी थी। अब उस रात आलिस फिर से क्लॉक टावर जाता है, वहाँ से देखता है कि हेलम केट को उसकी खिड़की से देख रहा, इसीलिए वो उसके घर पहुँच जाता और उसे जलाने के लिए वो उसके सामने ही इंटीमेट होने लगता है, जो बात हेलम को बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो वापस आ जाता और खूब रोता है। तो दोस्तों, आज उसका जन्मदिन भी है, इसीलिए वो अपनी माँ की वो चिट्ठी को पढ़कर रोने लगता है जो उन्होंने उसे आखिरी बार लिखी थी। उसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग विथ ऑल माई लव। उसके हर एक शब्द को वो महसूस हो रहा था
उसके जन्मदिन पर अगले दिन हीलम का मूड सही नहीं होता क्योंकि आज वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा। तभी वहाँ कीट आ जाती है और उसे जन्मदिन की मुबारकबाद देती है, जो सुनकर हीलम के चेहरे पर स्माइल आ जाती। और एंडी ने एक पार्टी भी उसके लिए ऑर्गेनाइज करी है क्योंकि अब वो पूरे 18 साल का हो गया। अब तीनों ही साथ में ड्रिंक करते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं। यहाँ एंडी इतना ज़्यादा पी लेता है कि वो हीलम के सामने एलिस और कीट के अफेयर के बारे में बता देता है, जो सुनकर कीट शर्मसार हो जाती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। अब यहाँ एंडी और भी कुछ बताना चाह रहा था लेकिन फिर हीलम उसे घर जाने को कह देता है। उसके जाने के बाद दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। हीलम अपने घर के बारे में उसे बताता है और बातों ही बातों में वो इतनी ज़्यादा पी लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि केट हीलम को अपने घर ले आई है। वहाँ उसके साथ वो अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है लेकिन हीलम रुक जाता है और कहता है कि हमें सो जाना चाहिए। वो दोनों साथ में सोते हैं लेकिन दूर दूर। तब हीलम ऊपर खिड़की में देखता है और सोचता है कि कल वो इसी खिड़की से उसे देख रहा था और आज वो उसके साथ है। अब नेक्स्ट डे वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जाता है और केट के सामने और उससे डेट के लिए पूछता है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देती है कि जो भी कुछ कल हुआ वो बस एक गलती है, बस वो नशे में थी इसीलिए ऐसा हुआ, इसलिए उसे जल्दी उसे भूल जाना चाहिए। तो हीलम समझ जाता है और अपने काम पर वापस लौट आता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वही सब चल रहा था कि तभी एंडी को एक कॉल आती है जिसमें रूम नंबर 456 में एक लेडी हीलम को बुला रही थी। वो उसे उनका नाम पूछता है पर कोई जवाब नहीं आता। हीलम भी हैरान था कि आखिर वो कौन है, इसीलिए वो उसे मिलने के लिए जाता और वहाँ जाकर देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि केटी थी। वो उससे कहती है कि उसने ही उसे यहाँ पर बुलाया है और जो भी कुछ कल रात हुआ उसे अच्छा लगा, उसे वो अच्छा लगा। ये बोलकर दोनों करीब आ जाते हैं। केट को हीलम का साथ पसंद आने लगा था, वहीं हीलम भी अब बहुत खुश था, उसे जो इंसान चाहिए था वो उसके करीब है। अब एक दिन वो एलिस को केट के घर देखता है। उन दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो गई थी इसीलिए दोनों आपस में काफ़ी चिल्ला रहे थे और फिर घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एलिस उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जो चीज़ हीलम को पसंद नहीं आती और इसीलिए वो उनके बीच में आ जाता है। पर एलिस उसे एक पंच मार कर गिरा देता है। यह एलिस उसे हीलम के बारे में बता देता है कि वो उसे छुप छुप कर देखता रहता है। केट उसे उसकी वजह पूछती है तो वो बताता है कि वो उसकी माँ कितना दिखती है इसीलिए उसने ऐसा किया। ये सुनकर वो हैरान थी और बहुत गुस्से में आ जाती है और बिना समय गंवाए उसे जॉब से निकलवा देती है। लेकिन अगले दिन वो उसी होटल के बाहर बैठा रहता है। जब केट आती है तो उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। केट भी उसके मासूम चेहरे की वजह से मान जाती है, लेकिन उस रात वो उसे पनिश करके नेकेड करके कहती है कि तुम्हें ऐसे ही अपनी पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। तब हीलम बताता है कि उसके बचपन की आदत है, जब बचपन में उसकी माँ की मौत हो गई तब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया और उसे अपनी माँ की फ़ोटो भी दिखाता और एक ड्रेस भी जो कि उन्हीं की थी। जब उस ड्रेस को केट पहन कर आती है तो वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि वो बिल्कुल उसकी माँ की तरह लग रही थी और आज उन्हें वो बहुत मिस कर रहा है। यहाँ केट एक मैच्योर वूमन की तरह उसको सहारा देती है और उस दिन के बाद से दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब हीलम केट को कैसे लोगों पर नज़र रखी जाती है ये सिखाता है, जिस चीज़ में उसे काफ़ी मज़ा भी आता है। वो आज बहुत खुश है, शायद अपनी माँ के जाने के बाद वो पहली बार इतना हंस रहा है सिर्फ केट की वजह से। लेकिन एक दिन फिर से उसका अतीत उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाता है। उसके डैड और स्टेप मदर दोनों ही होटल आते हैं हीलम से मिलने के लिए क्योंकि उन्हें वो FIR मिली थी जिसकी मदद से उन्होंने हीलम को ढूंढ लिया। तो यहाँ वैनिटी केट को हीलम के साथ देखकर हैरान थी। दरअसल जूस बताता है कि उनके ऊपर बहुत कर्ज है इसीलिए उसे अपनी मॉम की वसीयत पर साइन करना होगा जिसकी मदद से वो इस कर्ज को पूरा उतार सकते हैं। लेकिन हीलम अच्छे से जानता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और अगर उसने ऐसा किया तो सारा पैसा वैनिटी खा जाएगी, इसीलिए वो मना कर देता और वहाँ से जाने लगता है। तब वैनिटी अपना असली रूप दिखाती है और केट के लिए बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल करती है। हालांकि उस समय वो हीलम कुछ नहीं कहता लेकिन उसे पूरी रात वही बात सताती रहती है, इसीलिए वो अगले दिन अपने घर पहुँच जाता है और वैनिटी को ज़बरदस्ती पकड़ कर उसी झील के पास ले जाता है और उसे डुबाना शुरू करता है। लेकिन आखिरी समय पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है इसीलिए वो उसे बाहर निकाल लेता है और अपनी इस गलती के लिए माफ़ी भी मांगता है और शुक्र है कि वैनिटी की जान बच गई थी। तभी वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं जो उसे बताते हैं कि तुम ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, अपनी मॉम की मौत के लिए उन्होंने खुद की जान लेने का फैसला किया, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी लेकिन उन्हें मेरा साथ पसंद नहीं था इसीलिए आखिरी समय पर उन्होंने सबको अलविदा कहने का फैसला लिया, पर वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, हमेशा मुझसे कहती थी कि हीलम को अपनी तरह एक बड़ा आदमी बनाना। अपनी माँ की बातों को सुनकर हीलम रोने लगता है और डैड के गले लग जाता है। कुछ दिन बाद वो वापस केट के घर आता है और उसके साथ में रहने को कहता है तो वो कहती है
कि मैं किसी भी रिश्ते को सही से निभा नहीं पाती हूँ, बहुत कमजोर हूँ मैं इन सब चीजों में, और इसीलिए तुम मुझसे 6 साल बाद मिलना, जब तुम बड़े हो जाओगे। तो हेलम धीमी से आवाज में पूछता है कि क्या तुम तब भी इतनी खूबसूरत रहोगी। वो स्माइल करने लगती है, जिसके बाद हम हेलम को बाहर सड़कों पर घूमते हुए देखते हैं। वो आज बहुत खुश है, हालांकि उसे तो उदास होना चाहिए था, लेकिन कभी कभी दूर जाने का नाम ही जिंदगी है। अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो आरजू किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती हैं। इसी दृश्य के साथ यही कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। वेल, आपको कहानी कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।